हनुमानगढ़ में संतोष राज पुरोहित और श्रद्धालुओं के द्वारा तैयार किए गए ब्रह्मयुर गायत्री माता मंदिर का हम कड़ी वाइज आपको बताएंगे। इतिहास कैसे बना मंदिर, क्या क्या घटनाएं घटित हुई और किस प्रकार यहां पर माहौल रहा, इस सारी बातों का हम जिगर आज इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। माता संतोष राज पुरोहित को सपना आता है कि ब्रह्मयुर गायत्री माता के मंदिर निर्माण के बाद, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपनी देह त्याग देगी। ऐसा वीडियो भी मीडिया के अंदर वायरल हुआ था। वहीं दूसरी ओर पुराना वीडियो आपको संतोष राज पुरोहित का सुनाते हैं, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है। सुनिए फिर आगे की कहानी हम बताएंगे। मारो बचपन एक सपना हो गया, मन ब्रह्मा जी को और गायत्री माता को मंदिर बढ़ाना है। सब 36 कोम भक्तों के सहयोग से मेरा मंदिर बनने वाला है। सब भक्तान बार बार मैं नमस्कार करूं। आगे मेरे को कोई पता नहीं है जी, मेरे को इतना ही पता है बेटा जी। पूरी समाज को सहयोग गए, 36 कोम को भी सहयोग है, हम सब मिल के साथ दिए जी। आगे मेरे को कोई पता नहीं है, मैं तो सिर्फ गायत्री माता को और ब्रह्मा जी को मंदिर बना रही हूँ। मैं तो एक छोटो सो सपनो मेरो, वो प्रभु ने सबके सहयोग से पूरा हो गया। झूठी फैल रही है ये तो, ठीक है। वो तो भगत है, मैं 12 साल तपस्या करी, लोगों का भला करे, तो भाई कोई भाई माँ शक्ति कह दे, कोई की कह दे, तो भगत लोग बोल रहे है जी। उनकी मैं जबान थोड़ी पकड़ पाऊंगी जी जी। जो मेरी आत्मा ने मेरे, वो तो मेरे को ही पता है ना जी जी। लेकिन मैं मेरे मुंडा से कुछ भी कौन करी हूँ जी। मैं तो खाली एक ब्रह्मा जी का, एक गायत्री माता का, हमारे मूर्ति थरापना हो जा, सब भक्तों से हमारा निरंजन है, एक माइन मारा कोई व्याधा नहीं आवे, आगे करने वाला परमात्मा है। संतोष राज पुरोहित का वह वीडियो तेजी से वायरल होता है कि 26 जनवरी 2023 को 11:15 बजे मूर्ति स्थापना के बाद वे देह त्याग देंगी। लेकिन इस पर वहां पर आए प्रबंधकों का उस वक्त का वीडियो आपको दिखाते हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा था। परम पाया है कि ब्रह्मा जी रो वरदान है, जो मेरी मूर्ति रखेगा उसके मोक्ष हो जाएगी। अब ये आदेश पर इनको क्या आदेश हुआ है, क्या हुआ है, वो तो यही जाने। इनका तो मूर्ति स्थापन है 26 जनवरी, मंदिर प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, वो 26 तारीख को या 11:15 बजे यह मूर्ति स्थापन होगी। आगे क्या होगा वो तो ईश्वर जाने, इसका तो कोई कह नहीं सकता। इन्होंने ऐसी कोई घोषणा की, ब्रह्मताल फिर रही है, लोग सती हुई, कोई क्या समाधि ली, ऐसी इन्होंने कोई घोषणा नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर निर्माण में तेजी आती है तथा दानदाताओं का रुझान भी इस मंदिर की ओर बढ़ता है तथा श्रद्धालुओं का आवागमन भी बढ़ जाता है। पर इस वीडियो के आने से पुलिस तथा प्रशासन भी सक्रिय हो जाता है। कुछ दिनों के कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से मंदिर के प्रबंधकों के द्वारा मांगी जाती है, पर प्रशासन ने अपने स्तर पर अनुमति नहीं दी है। मामला धर्म से जुड़ा होने के कारण प्रशासन के लिए यह चुनौती बनी कि आखिरकार 26 जनवरी 2023 को क्या होने वाला है। 26 जनवरी 2023 से पहले जागरण, शोभा यात्रा, हवन इत्यादि कार्यक्रम भी होते हैं। 26 जनवरी 2023 को क्या होने वाला है, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आता है। प्रशासन ने संतोष राज पुरोहित पर नज़र रखने के लिए मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए थे और पुलिस का पहरा, डॉक्टरों की टीम मौके पर तैनात भी कर दी थी और हर शख्स पर नज़र प्रशासन के स्तर से रखी जा रही थी। आखिरकार उस घड़ी का सबको इंतजार था कि जिसकी घोषणा संतोष बाईसा ने कर रखी थी कि दे त्याग दूंगी। 26/1/2023 का समय 9 बजे का है। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार ब्रह्मा गायत्री माता व अन्य देवताओं की मूर्ति की स्थापना होती है। वहीं दूसरी ओर अब इंतजार इस बात का था कि 11:15 बजे आखिरकार क्या होने वाला है। सबकी नज़रें संतोष राज पुरोहित की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी, आखिरकार क्या होने वाला है। 26 जनवरी को प्रातः 10 बजे के लगभग संतोष राज पुरोहित का बीपी लो हो जाता है। अचानक सब देख रहे होते हैं कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। फिर पुलिस हरकत में आती है। डॉक्टरों की सलाह पर संतोष राज पुरोहित को एम्बुलेंस के जरिए राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर इलाज के लिए भर्ती करवा दिया जाता है। फिर अफवाह फैलती है कि संतोष राज पुरोहित ने देह त्याग दी है। हर कोई इधर उधर से पूछता नजर आता है कि आखिरकार हुआ क्या है।
माता जी ने शरीर छोड़ दिया, कुछ भी छुपाइए, ऐसी दिव्य शक्ति और उनकी शरीर के साथ ये। जय माता जी, 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 बोल माता जी, बोल संतोषी माता की जय। माता जी ने शरीर छोड़ दिया, कुछ भी छुपाइए। वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी 2023 को मूर्ति स्थापना के बाद यहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए प्रवेश भी दे दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर यहां पर पुलिस का पहरा रहता है, शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस जो है पूरी तरह से यहां तैनात रही और श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर दर्शन कराने का सिलसिला 26 तारीख को शुरू हुआ। हालांकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस भी सतर्क रही। उन्होंने अपने तरीके से यहां पर जो श्रद्धालु आए हुए थे उन्हें समझाइश करने का यहां पर जो है प्रयास भी किया। और वहीं दूसरी अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया ने अपना धर्म निभाते हुए संतोष राज पुरोहित के बारे में जनता को सही समय पर जो हो रहा था उसे दिखाया। मीडिया का काम होता है विश्लेषण करना, वो भी बिना पक्षपात के, और सच्चाई दिखाना मीडिया का जो धर्म है वही हनुमानगढ़ के अंदर किया गया। 26 जनवरी 2023 को संतोष राज पुरोहित जो है बीपी लो होने के कारण हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होती हैं। वहां हॉस्पिटल के अंदर मीडिया के समक्ष जो उन्होंने जो बयान दिया था वह भी आपको सुना देते हैं कि उन्होंने राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर जब वे इलाज करवा रही थी उस समय उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। गायत्री की कृपा से मैं ठीक हूँ, मेरी हिम्मत बन गई। जो पहले मैं काशी जी में जाजार काम करती पितरा का, जी पाछा जी मैंने भगत बुलावेगा मानेगा तो भी यहीं पाछा करूँगी। अरे मारे मिंद्र का मैंने अच्छो हुएगो, भाई कोई भी बीमारी की कोई तमन्ना लेके आओगे तो मारे मिंद्र में पूरी होगी। कोई भी संतान की लेके आओगे, कोई बीमारी वालों आओगे, कोई का धंधा नहीं चलेगा, जगह का धंधा चलेगा। मैं माँ से निवेदन कर मैं पाछी बसी बसी हो जाऊँगी। आज थोड़ी तबीयत में सुधार है मेरे, घर में बहुत आज खुश हूँ। पर भगत मेरी सेवा दो, मेरी हिम्मत बढ़ाओ पाछी तो मैं थोड़ी चाल पड़ूँ, मेरे में हिम्मत बन जावे। मैं आपका भगतों की वजह से हूँ, आपका आशीर्वाद की वजह से मैं पाछो जीवन आए। मैंने सबको मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, आज मैं ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। मतलब मेरे को कोई चेता नहीं है, मैं एकदम बेहोश हो गई, मन कोई पता नहीं है। मन तो खाली चार लुगाया दिखी और कोई कौन दिखी, दो पीले कपड़ा में दिखी, दो हरे कपड़ा में दिखी। मन तो वह लुगाएं लुगाएं दिखी, आज रात ने दो बजे बाद में जरूर दिखी, अब कौन दिखी, अब कौन दिख रही, अब बंद है। अच्छा। अब और थोड़ी देर पहले मैं सोई जब मन पानी दिखी और नीचे डूबती दिखी पानी, आशा तो लगा का मन ध्यान ही कोई नहीं पड़ो, लगा तो हाई खाली मन पे पत्तो ही कौन लगे। दो लुगाया दिखी, दो पीला में दो हरिया कपड़ा में बस अति दिखी। अब और मैं सोई जना मन बहुत पानी दिखी और मैं जान पानी में डूबन लाग रही हूँ, पानी में डूबती दिखी, बस इतो ही सपना है और कोई सपना को नहीं, बिल्कुल ठीक। संतोष राज पुरोहित का राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा था। इसी बीच जब मीडिया ने प्रबंधकों से दे त्यागने और जो 26 तारीख को घोषणा की गई थी उसके बारे में और मूर्ति स्थापना के बारे में और इतिहास क्या है इसके बारे में जब जानने का प्रयास किया तो प्रबंधकों का क्या जवाब है वह भी आपको सुना देते हैं। ये जो आपकी जो परंपरा है हमारे शास्त्रों के अनुसार, ये बात तो सत्य है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्रह्मा जी के साथ में माता गायत्री की स्थापना की गई है। तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर का जो विषय है कि भाई जो भी लोकाचार के हिसाब से आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती है और उनका किसी प्रकार से जवाब देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें यही है कि जैसे अपन ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और साथ में अगर वेदों की माता जो गायत्री की स्थापना करते हैं तो उसमें ये जो नियम होता है वो लागू नहीं होता है, ऐसा कि भाई प्राण त्यागना ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। अब इसमें हमारा जो समाज है, हम लोग हैं, ये कई प्रकार के से उसको वर्णित कर देते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो
ब्रह्मा जी तो क्या अलग विषय है और माता जी इनके साथ में जब स्थापना हुई है तो ये तो विश्व में पहला ही मंदिर है। बात थी वो माता जी को मतलब ब्रह्म ज्ञान है तो माता जी को माता के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ इसीलिए इन्होंने कहा था माता जी ने ऐसे। माता जी को भक्ति इसलिए कराया गया है कि भाई माता जी का देखो ये तो सत्य मानना कि कुछ समय के लिए तो प्राण निकलेंगे थे शरीर से, ये तो सत्य है बात, क्योंकि आप लोग भी थे हम भी थे हमारा समाज भी था यहाँ सबके सामने, आप भी बना रहे थे उस टाइम वीडियो लाइव दिखा रहे थे आप, तो ये तो सत्य था कि माता जी के प्राण तो निकले ही हैं। लेकिन माता जो गायत्री माता ने माता जी की रक्षा की है और माता जी का आदेश हुआ था गायत्री माता का कि भाई आप और समय मिल गया माता जी को कि आप लोगों का अपने भक्तों का सबका भला करिए गलत लगा रहे हैं उनको इससे तरीके जिसने सहयोग नहीं किया वो भी आरोप लगा रहा है, जिसने कभी मंदिर में आके भगवान के दर्शन नहीं किए माता जी के दर्शन नहीं किए वो भी आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो देखो हमारा समाज में ऐसी भ्रांतियाँ तो होती है, माता जी तो अपनी जगह बिल्कुल सत्य है और माता जी ने तब किया है ये तो आप लोग और हम लोग और हमारा समाज भी जानता है कि इतने लोग दूर दूर से आए हैं तो कुछ तो माता जी में क्वालिटी होगी ना। हाँ जी यही मान्यता रहेगी, यही मान्यता रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संकोच अगर कोई करता है तो उसको हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि अपने जो माता जी के प्रति जो भी उनकी भावना थी उसको वैसे ही रखें। 26 जनवरी से 28 जनवरी के बीच हॉस्पिटल के अंदर संतोष राज पुरोहित का इलाज चला और 28 जनवरी 2023 को दोपहर 3 बजे के लगभग संतोष राज पुरोहित को राजकीय चिकित्सालय से उनका स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वहां से उनको छुट्टी दी गई और वे वापिस ब्रह्मा जी और गायत्री माता मंदिर सुरेशिया के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर जो बन चुका है उसके अंदर उन्होंने यहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी ओर यहां पर वापिस मंदिर के अंदर 28 जनवरी को आने पर यहां पर श्रद्धालुओं ने उनका आदर सत्कार किया, मालार्पण कर उनका स्वागत किया। कलम न्यूज के द्वारा इस मंदिर के बारे में सच्चाई दिखाने का हर वीडियो के अंदर प्रयास किया गया है, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम देश की बात करें, चाहे विदेश की बात करें, वहां पर बैठे श्रद्धालुओं को हमने हनुमानगढ़ से पल पल की खबरों का बार बार वीडियो के जरिए आपको दिखाकर यह प्रयास किया है कि हनुमानगढ़ के अंदर ब्रह्मा जी गायत्री माता मंदिर के बनने से लेकर आगे तक क्या क्या यहां पर दृश्य बने और किस प्रकार यहां पर पूजा अर्चना की बात करें, चाहे हम शोभा यात्रा की बात करें, चाहे हम प्रशासन के स्तर से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे हम मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना होने तक की और राज्य के चिकित्सालय में संतोष राज पुरोहित के इलाज के लिए भर्ती होने की घटनाओं पर सब पर हमने प्रकाश डालते हुए आपको दिखाया गया। वीडियो के अंत में हम फिर कहेंगे कि मीडिया का काम होता है विश्लेषण करना, सच्चाई दिखाना और अफवाहों को दूर करने का प्रयास करना। कलम न्यूज के द्वारा इसी का प्रयास किया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखिए और कलम न्यूज को जिन श्रोताओं ने जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरों से हनुमानगढ़ से जो जारी होती हैं आपको समय से मिल सके और वेल आइकॉन भी आप दबाना नहीं भूलें ताकि आपको तुरंत वीडियो मिल सके। कर्म न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।